हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं भाई लोग? आप सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक का जो बटन है वो प्रेस कर दें, ठीक है? जल्दी से मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। सो होपफुली आपने पिछले व्लॉग जो है वो एंजॉय किए होंगे लाजमी। बाकी अभी का फिलहाल का सीन ये है कि आज जो है हमारी एक फ्रेंड सर्कल के अंदर जो हमारे कॉलेज के यानी कि जो दोस्त हैं, यूनि के जो दोस्त हैं हमारे, आपके मेरे ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा आपने सभी लोगों को, तो उनसे आज छोटी सी एक मीट एंड ग्रीट है यानी कि दो चार दोस्तों से, यानी कि दो तीन दोस्तों से। तो टाइम निकाला है, आगे ये भी है कि यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली नेक्स्ट मंथ से, तो उसके भी फिर डेफिनेटली ब्लॉग्स आए करेंगे, आपने इन्जॉय करने हैं वो भी। तो बाकी ये है कि रेडी वगैरह मैं हो गया हूँ, बाकी मुझे कॉल भी आ गई है, तो अभी हमने लेने जाना है जियो मुर्शीद को, मुस्तकीम साहब, तो वो मेरा वेट कर रहे हैं वहाँ पर। उनको लेते हैं, उनसे पूछते हैं आगे हमारी डेस्टिनेशन जो है वो वहाँ पर किस जगह जाना है हमने, तो बाकी चलते हैं उनके पास जाके देखते हैं आगे हमने कहाँ। चलो चलो चलो। अच्छा यार, मेरे पीछे ये मीटर वगैरह देख रहे हो कैसे लटक रहे? जिसको चाहिए फ्री में मिल सकता है। अच्छा फिर अभी का सीन ये है कि यार हम भूल गए हैं रास्ता, ये लड़के खड़ो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं, लोकेशन भेजी है लेकिन लोकेशन हमें समझ में नहीं आ रही। बाकी क्या कहते हैं, कह रहे आ रहे हो? अच्छा मुझे आप इधर तो मिलने हमारे आवाम के ऑडियंस से, वाले तो बारे ये पता था मिस कर रहे होंगे मुझे नहीं लेट की मुबारक। जब मिलना था तब बोल रहा था ना आपको बाकी बंदों से टाइम ही नहीं भाई, भाभियों के पास गए हमें तो आज टाइम नहीं देख सको ऑल मैसेजेस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। थोड़ी देर तक मानता था रहना, तो रमजान अभी भी गुजरा नया नया यार। चले चांद रात में क्या हुआ था, ये तो जैसी अफ्तारी की है चला गया। चांद रात बनाने के लिए चांद देखने गया था अपना। चांद यहाँ पर था नहीं, उसके पास था चांद, आपके पास तो चांद जैसी पावर ही नहीं है। ओ माय गॉड, चले कभी ट्राई करने का मौका दोगे? नहीं नहीं यार, तौबा समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, तौबा करो तौबा। सही, चले यार हमने वाले से उसे कॉल तो कर ली टैबूर को, तो 15 मिनट तक हुआ था तो मिलते हैं उससे भी मिलवा देते हैं। 1 hour later। अच्छा यार अभी का फिलहाल सीन ये है कि हमारा जो दोस्त है, क्या भाई ने बता रहा था वो, हाँ सेठ है, सेठ साहब आएंगे अपनी मर्जी से 7-8 बजे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया जी। तो हमने कहा चलो भाई इंतजार कर लेते हैं, आएंगे खैर लेंगे उसकी क्लास। तो फिलहाल अभी का जो सीन है वो हम जा रहे हैं अभी नमाज पढ़ने के लिए, मुर्शिद भी हमारे साथ हैं, मगरिब की अजान का टाइम हो गया है, अजान हो तो हो गई वैसे, खैर मज़े चलते हैं, मज़े चल के नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद देखते फिर दोबारा कॉल करेंगे, फिर बताते हैं आपको क्या सीन है, जब आते हैं तो फिर हम आपसे उससे मुलाकात भी करवाते हैं आपके साथ, और अच्छी सी एक जो कहते हैं ना मीठी मीठी सी, क्या मुर्शिद बोलते हैं, मीठी मीठी ना, उसकी तारीफ करें, तारीफ करेंगे यानी कि लेंगे अच्छी अच्छी सी। चले हाँ, बाकी हम नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के फिर मिलते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा यार हमने नमाज वगैरह तो पढ़ ली है, बाकी चल के देखते हैं क्या सीन है, आया हुआ या नहीं आया, मुझे बताओ आया हुआ होगा नहीं आया होगा सर। जैसे उसने कॉल पे कहा था ना मैं 10 मिनट में आया, उस अकॉर्डिंग तो आया होगा, लेकिन जैसे उसके भाई ने कहा ना सेठ तबीयत का बंदा है, मुझे नहीं लगता 10 बजे तक भी आएगा, तो हमें ही जाना पड़ेगा। सही, चले 50-50 है, जाके चल के देखते हैं क्या सीन है। तो सीन ये है कि हम आए हैं तैमूर से अपने दोस्त से मिल भी लिए हैं, फिलहाल तो खैर वो बिजी है यार क्योंकि कस्टमर वगैरह आ रहे हैं जा रहे हैं, खैर हमारा ऑर्डर भी आ गया है, तो टेस्ट वगैरह करते हैं तो बताते हैं किस तरह का था टेस्ट। और यार असल में ये है हमारा क्लास वालों, आपको पता है ब्लॉग के अंदर देखा भी होगा, तो इसने बुलाया था हमें ओपनिंग के ऊपर, हम आ नहीं सके थे, हम मसरूफ थे यानी कि काफ़ी टाइम से यानी कि पीछे लगा हुआ था। तो अब सीन ये हुआ था कि हमने ईद का मौका था, हमने कहा चलो ईद का टाइम है चलते हैं देखते हैं एक्टिविटी करते हैं और मिलते भी इसके साथ, और थोड़ी सी है कि पेड प्रमोशन, पेड कह रहा हूँ अपना, थोड़ी सी प्रमोशन हो जाएगी यार। बाकी ये है कि टेस्ट वगैरह करते हैं और आपको दिखाते हैं, चलो चलो चलो। और बाकी ये इसका लुक है,
हम आपको मिलवाते हैं इसका जो रेस्टोरेंट का जो ओनर है जिसने हमें बड़ा लेट करवाया। भाई ने ठीक बोला था, भाई वो आएगा 7-8 बजे सेठ। अच्छा, ये तैमूर भी बताएं अपने रेस्टोरेंट के हवाले से कि ये यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है। मीन्स के यानी कि सबसे एक बोलते ना कि कॉन्टिन्यू में हाई हो, यानी कि ज़्यादा डिमांडेड हो लोगों की, उसमें क्या है वो तैमूर का दीदार आइटम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइटम से कुछ भी है, उसमें शर्मा भी आ जाता है, उसमें पराठे भी आ जाते हैं, भी आ जाते हैं, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा विंग्स है, और जो हमें जो ऑर्डर मंगवा के दिया ये वाला, इसकी उसी में शामिल है, यानी ये सिंगर की है, ये आपने चीज़ मिली है, सिंपल भी मिलता है, डबल भी मिलता है, सारी सही। चलें, बाकी अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करें चीज़ के हवाले से। तो बाकी इनके साथ और मज़ीद मुलाकात हुई कॉलेज के अंदर, तो बताते हैं बाकी टेस्ट वगैरह करते हैं। 2 hours later अच्छा जी, फिलहाल का सीन ये है कि हम तैमूर के पास से फिर होकर आ गए थे। अब हमने अपना दानिश को भी इंसेंस किया बड़ा कि अल्लाह भला करे भाई, हमने आपसे मिलना है, हमें थोड़ा टाइम दे, क्योंकि पता क्या यार ये शाम का टाइम ना, असल में ऑफिस वर्क हो जाता है इनका स्टार्ट, तो इस वजह से बाकी दानिश से मिलते हैं। दानिश भैया, पहले बात तो ये है कि आपको ईद मुबारक। ईद कैसे गुजरी सबसे पहले तो ये बताइए। ईद अच्छी गुजरी है, बहुत अच्छी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, घर पे गुजारी, फैमिली के साथ गुजारी, कैसा फील हुआ? फील जो नॉर्मल होता है, बस ये है कि हम बड़े हो गए, वो पहले वाला फील नहीं होता जब बच्चे होते थे, छोटे खिलौने लेते थे, पिस्तौल वगैरह लेके लियो हमें खेलते थे, बस सोए रहते हैं मोस्टली, ज़्यादातर तो घर में जाके। पॉइंट टू भी नोटिस। सही बात है। बाकी ये है कि अगले महीने से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, क्या अगले हफ्ते से? अगले हफ्ते से हो रही है, महीना भी स्टार्ट हो जाएगा। मुर्शिद बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है कि ना बीच में ना बोल। हाँ बस बस ये कि जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि घर में बैठ बैठ के तो बोर हो गए हैं, वैसे सो के लेट रहे, कमर दर्द कर रही है लेट लेट, तो जाएंगे बस। वो भी ना अगर डिसिप्लिन बन जाता है कि इतने टाइम में हमने ये करना है, अब बस ये है कि काम करते हैं और सोते हैं बस। सही, चलो बाकी देखेंगे कॉलेज के अंदर, मुलाकात करेंगे अपने दोस्त और लोगों से मुलाकात करेंगे, बाकी फिलहाल का सीन देखते हैं। खैर मुश्किल मेरे साथ ही मोबाइल के अंदर लगे अपने मशहूर से, यानी मशहूर से नहीं, ये हसन भाई की वीडियो देख रहा हूँ, व्लॉग बना दे। तैमूर को नहीं पता कि ये व्लॉग वाला। तो अच्छा भाई, ठीक है कि मैं बाकी देखते हैं आगे कहाँ चलते हैं या घर चलते हैं, तो और अपडेट करता हूँ फिर आप। 1 minute 37 seconds later हाँ जी, तो अभी का जो फ़िलहाल जो सीन है कुछ इस तरह से है कि हमने अपने दोस्त से मुलाकात भी कर ली, दो दोस्तों से की, बट एक का एक से नहीं हो सकी, कुछ उसकी मसरूफियात थी जिसकी वजह से उसके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी वो लोग इस हवाले से था कि हमारे एक दोस्त हैं तैमूर मियाँ, हमारे क्लास फेलो ही हैं वो भी, बल्कि अक्सर आपने वो लोग उसके अंदर देखा होगा उनको, तो उन्होंने अपना एक फूड फास्ट फूड पॉइंट यानी कि दो ब्रांचेज बनाई है भावलपुर के अंदर, अल ज़रियाब के नाम से, तो उनकी थी एक यानी कि ओपनिंग थी, तो जिसके ऊपर उन्होंने हमें बुलाया था, बट हम लोग जा नहीं सके थे, आई थिंक मैं आउट ऑफ सिटी था या मैं कुछ मसरूफियात में बिज़ी था जिसकी वजह से मैं जा नहीं सका। तो आज यानी कि निकलना हुआ तो काफ़ी टाइम से वो मुझे इंसेंस भी कर रहे थे और बुला भी रहे थे, तो आज फिर हम अपने मुर्शिद के साथ, जी मुर्शिद के साथ निकले हैं, तो तैमूर की तरफ भी गए हैं और खाना वगैरह खाया वहाँ पर, फूड इज़ वेरी गुड यार, मुझे अच्छा लगा। जनरली बहुत यानी कि एक कहते हैं ना दिल से बाहर निकलना खा कर, तो जनरली मुझे बहुत प्यारा लगा और बहुत अच्छा लगा यानी खाकर। तो उसकी जो लोकेशन थी वो थी पकौड़ा चौक से आगे जो है भावलपुर में फतेह चौक के ऊपर, तो वो उसकी लोकेशन थी, मस्ट ट्राई किएगा आप लोग भी अगर जाना हो तो। बाकी दानिश से मुलाकात हुई है और उसके साथ साथ, बट आगे यानी कि हम जा नहीं सके क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा काम था, तो इसकी वजह से। बाकी ऐसा है कि यहाँ पर हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं, आपने बताना किस तरह का ब्लॉग लगा है, पसंद करने की लाजमी कोशिश करनी है, नहीं तो पसंद करने की लाजमी कोशिश करनी है, बार बार बोलूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा, तो आगे लगे तो क्लासेस शुरू हो रहे हैं और मस्त 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 किस्म के लोग आएंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं कितना अच्छा वक्त, तब तक ये भी इजाज़त, ख्याल रखिएगा, दो महीने रखिएगा अपने भाई को। Yeah.